अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखें, रात का टाइम है, इशा का टाइम हो रहा है, और ये जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, ब्लैक कलर का डॉग, ये ना यहाँ जैनी के लिए आया करता था, और अब ये कल से जैनी का वेट कर रहा है। और कल पता है क्या हुआ है? कल मतलब जिस दिन सूजी की डेथ हुई है, ये देखें, ये दोनों ही जैनी के पास आते थे और दोनों यहाँ बैठ कर वेट कर रहे हैं कि शायद वो कहीं गई हुई है घूमने और वापस आ जाएगी। तो कल जब सूजी की डेथ हुई है ना, तो सूजी की डेथ के बाद सारी रात ये लोग ना रोते रह गए आसमान की तरफ मुंह करके। सिर्फ ये दो डॉग ही नहीं, सोसाइटी में और जितने भी डॉग्स दूर दूर है ना, काफ़ी सारे आ जाते हैं, यहाँ पर बाहर से भी आ जाते हैं, तो वो सब रो रहे थे। सब के ना आसमान की तरफ, जैसे वुल्फ रो रहा होता है ना, वुल्फ की आवाज़ होती है, वैसे इनकी आवाज़ थी। और अभी यहाँ पर भी ये ना जैनी का वेट कर रहे हैं कि शायद वो दोनों आ जाएंगी। घर के बाहर इतना सन्नाटा हो चुका है, पहले इतनी रौनक होती थी इन बच्चों की, अब बाहर निकलो तो दिल को कुछ होता है। अभी मैं जा रही हूँ मामा के घर, जैनी से मिलती हूँ जाकर। तो खाने का आप लोग, किसी ने कमेंट किया था कि आप उसको ऐसी जगह छोड़ें जहाँ वो खा पी सके, तो जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा है वो आराम से वहाँ पे उसको तीन टाइम का खाना मिल रहा है, मामा वगैरह दे रहे हैं। और वो देखें, वो सामने जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना, इस जगह पर कल जैनी सूजी को मारा गया, और उस सामने वहाँ पे उसका कातिल बैठा हुआ था कल, इस जगह पे, यहाँ पे सामने सूजी का कत्ल हुआ है। ये वाली लेनी है फुसैन? नहीं नहीं छोटी, वो तो ये वाली ब्रेड है, मिल्की नहीं है। फुज़ैल, उसके लिए कोई एक बिस्किट भी ले लो, वो पता नहीं कौन से बिस्किट खाती है। ये वाला ले लें, उसके लिए यही खाती थी ना सूजी और जैनी दोनों, ये बिस्किट रोज खाती होती भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये पकड़ो, ये ले लेते हैं, मामा के घर जाते हैं। किसके लिए? अपने लिए, मामा के रखते हैं। आ जाओ, बिस्किट बिस्किट बिस्किट। हेलो हमजा, हमजा, हमने जैसे गाड़ी रोकी है ना, उड़ती हुई है ये हमारी गाड़ी के पास। देखो हमने जैसे गाड़ी रोकी है, भागती हुई आई है। अच्छा, ये ना सूजी और जैनी ना डेली खाते होते थे बिस्किट्स, हमारे एक नेबर हैं वो दिया करते थे। हाँ, ये दोनों माँ बेटियों को ना, वो देखो जो शेख साहब है ना, वो डेली दिया करते थे ना। जैनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है मामा वगैरह के घर के बाहर, क्योंकि उसको डेली नज़र आ रहे होते हैं, मेरे भाई नज़र आ रहे होते हैं, मामा सब नज़र आ रहे हैं, तो खुशी से यहाँ रह रही है। और आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप इसको किसी शेल्टर होम वाले को दे दें और बाकी डॉग्स को भी दे दें। तो मैंने, मेरी एक सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझे किसी का बताया था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उनको मैंने सारी सिचुएशन भी बताई थी कि यहाँ पे डॉग्स को मार देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। ये शेल्टर होम वाले भी ऐसे किसी की मदद के लिए नहीं आते। मेरा इतना दिल दुखा इस बात पे, मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उनको बहुत सारे लोग डोनेशंस भी देते होंगे, लेकिन उन लोगों ने इस मामले में कोई हेल्प नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे ये बहुत सेफ है। और जो आप लोग वरीड हो रहे थे कि जो बाकी जो ब्लैक डॉग है और ब्राउन डॉग है, कि आप उसको भी कहीं छोड़ रहे हैं, तो वो डॉग ना यहाँ पर नहीं रहते, दोनों डॉग्स वो सिर्फ सूजी और जैनी के लिए आया करते थे यहाँ पे, और वो सोसाइटी के बाहर से आते हैं। सोसाइटी में ऐसे कितने डॉग्स चलते फिरते अंदर आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। जब से ये दोनों गई हैं वो भी चले गए हैं, और जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं इन दोनों को, क्या मुझे और भी, अगर मैं किसी डॉग को मरता देख रही हूँगी तो मैं उसको कभी किसी को मारने नहीं दूंगी। जैनी के सूजी के साथ तो ये हुआ कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो उठते मुझे पता चला कि उसको मार दिया गया है।
लेकिन वो वैसे यहाँ नहीं रहते हैं तो इसलिए उनको कोई डर नहीं है। चलो चलो जेनी, आप इंतजार में बैठे थे हमारे। आजा बेचारी इधर गेट में बैठी हुई। हम लोग जितनी देर अंदर थे ना मम्मा के घर, उतनी देर ही हमारा वेट करती रही है। शुक्र है ये तो हमारे पास रह गई। शुक्र है अल्लाह का। क्या कर रही हो जेनी? बुलाओ इधर, आ जाओ बुलाओ। बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं ये बड़ी चलाक है ना, उधर चली जाती है जब सर्दी नहीं लगती। ये अब हमारी वजह से नहीं जा रही ना। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बंद कर दे। इधर पीछे से वो आ रहा है। इसके लिए ना जायका ब्रेड लेके आएंगे, इसे वो बहुत पसंद है। एक हमारा फर्द है। मैंने पागल है जानी। अल्लाह हाफिज जेनी, अल्लाह हाफिज। कल मिलने आएंगे आपसे। ओके कल मिलने आएंगे जेनी से हम। ये लोग ठीक है जेनी, कल मिलने आएंगे ना। हम आपको दिखती है तुम जेनी। आ जाओ ना यार, एक मिनट जल्दी आ जाओ। आओ हम इधर खड़े हैं। हमारा हेलो, हम इधर खड़े हैं। मैं तुम्हें आवाज दूंगा अपनी, ये मच से थोड़ा सा आगे आ जाओ जल्दी। हम लोग मामा के घर से निकल के आए हैं, यहाँ पे काफी दूर हम आ गए और ये हमारे पीछे पीछे आ गई है जैनी। जानी क्यों आई हो पीछे? ये ना हमारे साथ पीछे पीछे घर आना चाहती है बेचारी। चलिए हमारे बगैर नहीं रह सक रही है। और उस जालिम इंसान ने कैसे मार दिया, जानवरों की फीलिंग्स नहीं समझता था ना वो, उन लोगों का पट्टा। देखो पीछे पीछे इतनी दूर तक आ गई है, भाई को कॉल किया कि आए और उसको लेकर जाए। बदमाश ना दे तो क्या करें। बिलाल ले जाओ इसे। ये बिलाल के साथ जा ही नहीं रही, इसने तमाशा लगाया हुआ है। ले जाओ। देखें कुत्ते कितने वफादार होते हैं, वो नहीं जाना चाहती बिलाल के साथ। वो नहीं जाएगी। चलो बिलाल आओ हमारे साथ आओ। हम जा रहे हैं ना तो हमारे साथ साथ जा रही है जेनी। आ जा, कहती है मैं तो आप लोगों को नहीं जाने दूंगी। अभी आप यहीं रोक लो, आगे ना लेके जाओ, गाड़ी को पीछे ही रखो गली में। आओ बिलाल खुशी देखो, खुशी बिलाल ये भी खड़े रहो, इसको ब्रेड ट्रैप करो। ओ इधर इसको बंद कर लो ना ताकि हम निकल जाएं। ये फिर निकल आएगी। आजो आजो दरवाजा। अभी ना हमने उसके साथ पता है क्या किया है, हमने ना जैनी को मम्मा के घर के अंदर बंद किए और अब हम जा रहे हैं। जैनी को हमने बंद किया मम्मा के घर के अंदर, हमने कहा जैसे हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे तो फिर उसको घर से बाहर निकालना वरना वो हमें जाने नहीं दे रही। मेरे पीछे आ रही थी। बस जी अब हम लोग घर जाते हैं, उसको मम्मा ने अंदर बंद किया, हम जैसे ही जाएंगे तो फिर वो उसको बाहर निकालेंगे। चलो तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर होम मार्ट आ गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और ये शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी तो फाइनली मुझे मिल गया। काफ़ी बड़ी पैकिंग थी लेकिन मैंने ले लिया। और मैं होम मार्ट क्यों आई थी तो मुझे कुछ सामान चाहिए था क्योंकि बस ये कह सकते हैं कि ये पूरा मंथ जो है ना मेरे लिए बहुत ही दुख वाला मंथ हो गया है अब तक। तो अल्लाह करे आगे सब कुछ बेहतर ही रहे और अच्छा ही रहे। मेरी बहन की कल है बर्थडे जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ के बाद उसकी ये पहली बर्थडे आ रही है और अगर वो ज़िंदा होती तो वो 22 साल की हो चुकी होती। तो उसकी बर्थडे थी तो उसका ख़त्म दिलवाना था, घर में ही दिलवाना था क्योंकि ज़िंदा होती तो जाहिर है उसकी हमेशा से हम सेलिब्रेट करते रहे हैं। तो जो उसका ख़त्म दिलवाना था और घर में ही मैंने केक बनाना था उसके लिए, उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद था तो बस वही मैं चीज़ें लेने आई हुई थी यहाँ पर।
तो कल का व्लॉग फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और इतने दिन से आप कैट्स को भी नहीं देख रहे तो वो भी दिखाऊंगी कल मैं आपको। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।